Hello and welcome to our special show with Ashwal Rai, the captain of Kolkata Thunderbolts team from UK Prime Volleyball League. And welcome Ashwal to Rev Sports. This is me, Rohan Chaudhuri. We hope to have a good conversation here. Thank you. Ashwal, you are the defending champions of this tournament and aap captain ho team ka. So, uska ek alag sa pressure hota hai to defend the title. Uske baare mein thoda kuch bataiye. Hamara डिपेंडिंग चैंपियंस जैसे हम वो नहीं है, प्रेशर नहीं है हमको, जैसे कि डिपेंडिंग चैंपियंस इसको डिपेंड करके खेलना है, वो टेंशन माइंड में रख के हमको ऐसा ही खेलना है, ऐसा ही जीता के दिखाना है किसी सबको, ऐसा कुछ भी प्रेशर नहीं है। तो इस अभी जो मैच दो मैच हुआ हम बिल्कुल आप देख सकते हो कोई भी टेंशन नहीं, एक दूसरे को बात करके संभाल के जो भी पॉइंट जाएगा प्रेशर में ना आके ऐसे के खेल लेते हैं हम, तो रिजल्ट तो आप देख चुके हैं, तो आगे का मैच भी ऐसे ही खेल लेंगे। बहुत बढ़िया। एंड टीम का यंग प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं एज अ कैप्टन आप? यंग प्लेयर्स मतलब सिर्फ मैं नहीं, टीम वाले जो भी है सीनियर्स, विनीत, दीपेश, वो लोग सब भी उनको मतलब हम लोग उनसे बात करके कुछ भी मतलब उनको मतलब दबके नहीं रहना है टीम के साथ, मतलब टेंशन हो के सीनियर से डांटे के सब नहीं कर रहे हैं, मतलब एक साथ सबको 14 मेंबर्स भी एक साथ इक्वल यही पोजीशन पे हैं, कोई ऊपर नीचे ना देख के साथ में प्रैक्टिस करके अच्छा सिखा के उनको जो एक्सपीरियंस नहीं है उनको बता के गलतियां सब हम साथ में चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। सो आपके बारे में कुछ बताइए, कैसे आप शुरू किया इस स्पोर्ट से, हाउ डिड यू स्टार्ट प्लेइंग वॉलीबॉल? मैं सेकेंडरी डिग्री में स्टार्ट किया, एक्चुअली मैं हाइट था पर कुछ आता नहीं था, फिर मेरा कॉलेज में एक पीढ़ी थे तो उन्होंने बुलाया मुझे के वॉलीबॉल आओ करके, वो खींच के चले गए, फिर मेरे पापा से बात करके उन्होंने अपना उनका स्पोर्ट्स हॉस्टल में डाला, फिर उसके बाद मेरा ऐसे जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद डिग्री खत्म होने के बाद मैं कोयम्बतूर में एकेडमी वॉलीबॉल एकेडमी है तो उधर ज्वाइन किया, उधर सिर्फ वॉलीबॉल ट्रेनिंग करा, फिर उसके बाद इधर आके कंटिन्यू किया। बहुत बढ़िया। एंड आपके जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, कुछ हार्डशिप्स रहा कि नहीं, कैसे ओवरकम किए, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ मतलब पहले हमारे फैमिली में कोई स्पोर्ट्स से नहीं थे तो मुझे भी इतना मतलब स्पोर्ट्स को जाने के लिए सपोर्ट नहीं था, मतलब जाओ करो पर प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं था, तो मेरा एक्चुअली मेरे भैया ने मुझे बहुत साथ किया, मतलब डिग्री होने के बाद मैं एजुकेशन के बारे में फैमिली बोल रहे तो मैं 2 साल खेल के मुझे वॉलीबॉल का अटैचमेंट हो चुका था, भैया से बात किया, फिर भैया ने बोला मतलब उधर से 70 किलोमीटर जाना पड़ेगा सिटी के लिए, तो उधर मुझे रहने के लिए सब भैया ने साथ दिया, सब कुछ जो भी है ए टू जेड भैया के वजह से और मेरे दोस्त थे तो वो लोग मेरा सपोर्ट देने से मैं इतना अचीव किया, फिर वही मैं जर्नी वही है मतलब और कुछ नहीं। हाँ तो आप जैसे बोल रहे थे एजुकेशन सेकेंड ईयर में कॉलेज में आपने शुरू किया, इंडिया में एक बात होता है कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स के बीच बहुत सारे लोगों को चुनना होता है, नाउ योर फैमिली आल्सो नन ऑफ देम आर फ्रॉम स्पोर्ट्स, सो अभी आपने इतना अचीव कर लिया, आप एक सक्सेसफुल पोजीशन पे हो, आप फैमिली वाले क्या बोलते हैं? अभी अभी अच्छा लगता है उनको, मतलब इतना अचीव मतलब उनके लिए मैं अचीव किया, मतलब मेरा अचीवमेंट इतना नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता उनको मेरा मतलब इतना फेमस होके और अचीवमेंट देके इंडिया खेल के उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उनको देख के मुझे अच्छा लगता है। अभी मेंटल हेल्थ जो होता है एथलीट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप एजुकेशन के साथ साथ भी स्पोर्ट्स चालू किया, सो मेंटल हेल्थ के बारे में बोलिए कितना इम्पोर्टेंट होता है वो एथलीट के लिए? मुझे सडन स्पोर्ट्स में आया ना, मैं तो एक बार 2 सेमेस्टर बैक हो गया मेरा, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में वो साथ में देना पड़ता है, इसीलिए मुझे नहीं पता था, मतलब मैं इस पूरा इस तरह स्पोर्ट्स के उस तरफ आ चुका था तो एजुकेशन उधर थोड़ा इफेक्ट हुआ उसको, उसके बाद मैं कंप्लीट करके अभी उसके बाद एजुकेशन कंप्लीट मतलब कंटिन्यू नहीं किया, उसके बाद पूरा स्पोर्ट्स के लिए टाइम दिया और उसका जो भी है ट्रेनिंग फिटनेस और रेस्ट वगैरह वो सब कर रहा था, फिर ये पहली बार इंडिया खेलने के बाद मुझे लगा कि और भी ऐसा ट्रेनिंग चाहिए और भी सीखने को है, तो इंडिया से बाहर जो लोग खेलते हैं हमसे बड़े लोग उनसे एक्सपीरियंस लेना है करके, उसके बाद वही मतलब वही अभी अभी तक भी सीख रहा हूँ वॉलीबॉल।
हाँ, तो आपने बोला इंडिया के बाहर के लोगों के लिए, आपका टीम में भी दोनों फॉरेनर्स से, यूएसए से कोडी कॉल्डवेल एंड जोसे बर्डी फ्रॉम वेनेजुएला। सो फॉरेनर्स के साथ, फॉरेनर्स प्लेयर्स के साथ डील करना, उनके साथ टीम में घुल मिल रहना, सो आप कैप्टन की तरह कैसे हैंडल करते हैं ये सब? एक्चुअली मुझे वो काम ही नहीं रहा कि मैं उनको सेट हो जाऊँ, वो आते ही हमारे साथ सेट हो चुके थे। ओडी और वर्डी तो बहुत मतलब वो इनोसेंट है, और टीम के साथ वो पहले आया था, 5 जनवरी को आया था, वो जल्दी आया हाँ था। तो एक एक हफ्ते में वो हमारे साथ सेट हो गया। पर कोडी हमारे साथ आते ही ऐसे बात कर रहा था कि हम 10 साल से साथ में, मुझे वो टेंशन ही नहीं रहा कि उनको हमारे साथ मिंगल होना है करके। तो हाँ वो बहुत इजी था। अभी तो हम मतलब बहुत अच्छे दोस्त बन गए सब टीम के साथ, तो उसका प्रॉब्लम ही नहीं आया मुझे। सो उनके साथ जब बातें करते हो तो उनके देश में स्पोर्ट की क्या कंडीशन है, ये सब बातें होता है? उनका देश में क्या कंडीशन है वो नहीं बात होता, पर उनके देश में वॉलीबॉल कैसे इम्प्रूवमेंट, कैसे खेलते हैं टूर्नामेंट, उसके ट्रेनिंग हमारा और हमारा ट्रेनिंग होते हैं, उनका ट्रेनिंग कैसा रहता है, वो सब डिस्कशन किए थे। पर बहुत डिफरेंस है, और इंस्ट्रूमेंट उधर वन लेवल अप है इंडिया से, तो बहुत सीखने को मिला। हमारा अटैकर्स सर लिब्रो और वर्डी ब्लॉकिंग सब सिखाया, पर आइडिया सब दिया, मतलब ऐसे ही संभल के हम खेल रहे हैं सीख के। तो आपको क्या लगता है इंडिया में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए स्पोर्ट को और डेवलप करने के लिए? हमारा ट्रेनिंग मेथड और ट्रेनिंग पीरियड और फूड एंड इंस्ट्रूमेंट वॉलीबॉल के लिए, एंड हाँ एक एक चीज के लिए अलग अलग कोचेस होते हैं, तो वो सब बहुत कुछ आना आना बाकी है इंडिया। हाँ सो अश्वल, आप कर्नाटका से है, सो अभी टूर्नामेंट भी बैंगलोर में हो रहा है, सो होम क्राउड के सामने खेलने में एक दूसरा स्टेट की टीम के लिए कैसा फीलिंग होता है? मुझे मैं कोलकाता को खेल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा सपोर्ट मिल रहा है कि मैं खुद बैंगलोर को खेल रहा हूँ। मतलब इतना लोग आ रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, नाम बुला रहे हैं। हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिला। कर्नाटका का और भी लोग हैं हमारे टीम में, तो सपोर्ट तो मतलब उस तरफ कितना 50% है, 50% हमको भी मिल रहा है। और एक कमेंट में भी लिखा था, आरसीबी फैन सपोर्ट कोलकाता थंडरबोल्ट्स, तो वो देख के भी मुझे अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। कुछ बंगला सीखा, कुछ बंगाली सीखा कुछ? हाँ, खेल पे बांग्ला जीत पे बांग्ला, और एक हाँ मुंह का डायलॉग है, और एक आमी तुम्हारे सो बालो पास। ये सबको आता है। हाँ सो कोडी, आपके साथ एक रैपिड फायर हो जाए खत्म करने से पहले, ओके, रैपिड फायर क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आपके आपके लिए होगा, इफ नॉट वॉलीबॉल देन व्हाट? वॉलीबॉल प्लेयर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं कहाँ ऐसे सॉफ्टवेयर पे बैठ के कंप्यूटर का देखता रहता। सो प्लेयर फ्रॉम एनी स्पोर्ट, क्या क्या स्पोर्ट देखते हैं आप वॉलीबॉल को छोड़ के? रोनाल्डो। मुझे क्रिकेट कोहली पसंद है, रोनाल्डो पसंद है, पोर्चुगल पसंद है, जी, और बस, और बस। एनी फेवरेट वॉलीबॉल प्लेयर? या दो है, एरविन यंगपत और आइवन जेस्टर। सो दूसरा स्पोर्ट कुछ खेलते हो आप? हाँ, खेलता हूँ हैंडबॉल, नेटबॉल, शॉर्ट बॉल, क्रिकेट, बस। फेवरेट फूड कौन सा है? कोरी रट्टी, मैंगलोर फ्रूट। ओके, सो आप क्या फिटनेस रेजिम को मेंटेन करते हुए वो खा सकते हो आप रेगुलरली? मैं एक बहुत चुपके का आया था बस। चुपके खाए थे। बहुत बढ़िया लगा आश्वल आपसे बात करके। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग थैंक सीजन, फॉर द ऑनगोइंग सीजन, एंड वी होप यू ब्रिंग बैक द ट्रॉफी टू यू, कोलकाता। थैंक 100%, थैंक यू, बाय। यू, थैंक यू, थैंक यू।